Oh,
मेरे जिंदा परमेश्वर, सब जहां तक वो उठा दी तारीफ करे परमेश्वर की, क्योंकि वो हमारे बीच में हाल लिया। उनके वचन में लिखा के जा रहा दो सदी जन उसके नाम की तारीफ करते हैं, वो खुदा में हाजिर होता है, उसका आत्मा में हाजिर होता है और हमारा विश्वास करते हैं, उस आत्मा हमारे बीच में है और अपने बड़े बड़े कामों करने के लिए तैयार है। सब कुछ तारीफ करे और अपने आप पार करे उस परमेश्वर के कामों को देखने के लिए, उसके जलाल को देखने, उसके मस्सा को देखने।
हम तेरी महिमा करते जो हमारे बीच है, हम तेरी तारीफ करते जो तू हमारे बीच में अपने काम करने के लिए तैयार मेरे परमेश्वर। और प्रभु तो अपने जलाल हाथ अपने दास के द्वारा जहां में दिखाने के लिए तैयार है करते हैं, हम स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जो बड़े बड़े कामों को करता है और उस परमेश्वर का जो अपने वचनों के द्वारा सच लोगों की बीमारियों को चंगा करता है और आजाद करता है हर एक झगड़े के लोगों को। वो परमेश्वर तेरी तारीफ करते हैं,
बैटरी लो है I'm not.
पिता आज तेरा वो मसा पिता जो तू चाहता है कि तेरे कार्य करता बिन शुरू होने पाकि वो मसा पिता आज कार्य करे आज के दिन अभी दो मिनट बाद
भाइयों परमेश्वर के लिए जोर से अगर आप आगे बढ़ाए बोल रहे कि आप सब प्रेम वाला आत्मा मांगो। ओ रब्बा बाबा बाबा, मैं सिर्फ बता सुन के नाते मैं बोलता हूँ
आत्मा को करने वाला आत्मा दे और जलन की आत्मा को मैं डांटता हूं जीवन को छोड़ के बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाओ बेटी शांति डाले और आनंद डाले। हालेलुया। कई पंखा
पता कि हवा है ना, ये पीछे कर दो। हालेलुया, क्योंकि यहां पर जो कुछ भी हो रहा है वो आपके लिए। हालेलुया, आप कहीं आप किसी ये मत समझो कि आप चर्च में आए हैं, आप ये समझो मैं अपने पिता के घर में हूं। हालेलुया, यहां पे की हर एक वस्तु आपकी है। हालेलुया, आपके लिए है, कुछ भी नहीं यहां पे। आप कभी भी ये ना समझ लो, बोले मेरे पिता का घर है, ये मेरा घर है। हालेलुया, तो ये आपका घर है और ये परमेश्वर का घर है, तो यहां की हर एक चीज आपकी है। बल्कि मैंने बोला भी, कभी ना समझना कि आप अलग हो। आज आए नहीं बाकी लोग, तो मैं बोलता होता हूँ कि आप लोग क्या करो, ये समझो कि मेरा घर है। हालेलुया, ये परमेश्वर का घर है, मेरा घर है, यहाँ पे मुझे खुद आगे आना। हालेलुया, और जब हम मीटिंग के बाद आप लोग कुछ लोग मिल, मैंने बताया कि नाम लिखवाना, जो नाम लिखने वाले होते हैं कई बार वो भी नहीं दिखाई देते पेशेंट डे। हालेलुया, तो हमें ऐसे लोग चाहिए जो लोग क्या करें, सेवा में आ गया है, हर काम में आ गया है। और मैं कई बार यहाँ पे नहीं होता, इस वजह से बहुत दिक्कत आती है। जैसे इस हफ्ते में बहुत ही कम मैं यहाँ पे वो था, मैं बाहरी बाहर होने की वजह से जब जाता मैं मिल नहीं पाया लोग से। तो आज हम वचन देखेंगे, सब जन आंखों को बंद करके हाथ को उठा के बोलो, परमेश्वर हम जो वचन सुनने जा रहे हैं हमारे दिल में हमारे मन में, परमेश्वर आज हमारी आत्मा मजबूत हो जाए और परमेश्वर का विश्वास मजबूत हो जाए, हम आत्मिकता के और ऊंचे लेवल पे चले जाएं। और बोलो परमेश्वर आज हम आपका वचन सुने, हम पे अनुग्रह कर, हम पे दया कर, और परमेश्वर आपका वचन हमारे जीवन में आशीष लेके आए। सब जन बोलो परमेश्वर आपका वचन हमारे जीवन में एक आशीष और एक बरकत को लेके आए, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, मेरे साथ में काल गाती हूं उसकी 5 उसकी 22। गलातियों 5 उसकी 22, जिसको मिल गया पढ़ो फटाफट। बस बस, हालेलुया, आज हम यही तीन देखेंगे, अगले हफ्ते देखेंगे। आत्मा का फल प्रेम आनंद और हालेलुया, बोलो प्रेम। आज लोग प्रेम को इंसानों के अंदर ढूंढते हैं। हालेलुया, इंसान इंसान के अंदर क्या करता है, प्यार को ढूंढने की कोशिश करता है, सोचता है कि वो इंसान मुझे मुझसे प्रेम करेगा। लेकिन क्या होता है, बाइबल के अंदर लिखा है कि अमीर के तो बहुत से मित्र होते हैं, लेकिन गरीब को तो उसका पड़ोसी उसके हिसाब सब के चले जाते हैं। हालेलुया, अमीर कितने होते हैं, बहुत सारे, और गरीब का कोई भी मित्र नहीं होता। हालेलुया, ये क्या बात बता रहा है कि आजकल जहां पैसा है, जहां नाम है, शोहरत है, उसके पीछे सब बोल लेते हैं, उससे हर कोई प्यार करता है, लेकिन जिसका कुछ नहीं है उससे कोई भी प्यार आज नहीं होता, छोड़ देते हैं लोग, भूल जाते हैं। हालेलुया, ऐसे ही मैं भी 2007 में जब मैं मसीह में आया, लेकिन उससे पहले मैं भी भटकता था, 2005 में 4 में भटकता था, मैं एक ऐसे प्रेम को ढूंढने के लिए भटकता था, मैं सोचता था कि कोई मुझे अपना कहे, मुझे कोई मुझसे कोई प्रेम करे। हालेलुया, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन जब मैंने यीशु मसीह को देखा था ना 2007 में, मैंने 27 अप्रैल को मैंने बपतिस्मा लिया, और उसके बाद से मैंने यीशु मसीह के प्रेम को देखा। हालेलुया, लोग इंसान के अंदर प्रेम को ढूंढते हैं और बाद में क्या उनको छोड़ के चलाता है, लोग मदद करते हैं छोड़ के चलाते हैं लोग। हालेलुया, क्या होता है आप देखना, कभी मैंने बहुत से लोगों को ये कहते सुना है, अरे मैंने तो उसका भला किया लेकिन उसने तो मेरा बुरा कर दिया। हालेलुया, मैं भी बोल रहा हूँ पहले आपने सुना होगा, मैंने तो उसका भला किया मेरे साथ ऐसा किया। हालेलुया, हम लोग क्या भलाई करते हैं, हम भलाई करते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, हमारे साथ भलाई नहीं करते। लोग आपके साथ आपके अच्छे कामों को याद नहीं रखते और आप क्या करते हैं वो भूल जाते हैं भलाइयों को। हालेलुया, ऐसी क्यों लोग भलाइयों को भूल जाते हैं, अच्छाइयों को भूल जाते हैं, अच्छे कामों को भूल जाते हैं और दूर हो जाते हैं। हालेलुया, और हम मैं आपको बता रहा हूं, आपको सच्चा प्रेम इंसानों के अंदर बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। कारण आज
आज तो उसके पास कुछ है तो आपको लग रहा है, कल जब कुछ भी नहीं होता आपको समझ लो रुपया पैसा। मैं आपको बताऊंगा प्रेम तीन तरह के बाइबल के अनुसार, एक है एरोस, एक है फिलो, एक है अगापे। अगर मैं उसमें जाऊंगा तो लंबा हो जाएगा, मैं आपको सिर्फ एक बार बताता हूँ कि असली जो प्रेम है वो है अगापे, परमेश्वर वाला प्रेम। हालेलुया। जब हम प्रभु में आते हैं, प्रभु हमारे मन को हमारे हृदय को बदलता है और फिर जब हम प्रेम करते हैं वो असली प्रेम होता है। हालेलुया। आज मैं देखता हूँ लोग प्यार तो करते हैं लेकिन अपना कोई काम निकलवाने के लिए, आज लोग प्यार तो करते हैं लेकिन किसी के पास तो जाते हैं लेकिन उनके दिमाग में एक सोच होती है कि मैंने इस भाई के पास जाना है, मैंने ये काम कराना है, मैंने उसके पास जाना है, मैंने ये काम कराना है। आज क्या है, लोगों के अंदर सच्चा प्यार खत्म होता जा रहा है, प्यार ठंडा। विश्व से कहा यदि तुम एक दूसरे से प्रेम करो तो क्या कहलाओगे, मेरे चेले कहलाओगे। हालेलुया। लेकिन क्या है कि आज इंसानों के अंदर प्रेम ढूंढता है लेकिन क्या होता है, थोड़े टाइम बाद निराश हो जाता है। भलाई तो करता है, भलाई करता जाता है लेकिन जब सामने वाला भलाई करता है तो इंसान टूट जाता है। हालेलुया। इसे मेरे जो मैं भी ऐसा करता, मैं भी इंसानों के पीछे भागता था लेकिन 2007 में जब से मैंने यीशु मसीह के पीछे जाना शुरू कर दिया तो परमेश्वर ने क्या किया, अपना स्वर्गीय प्रेम मेरे डाला और उसने क्या किया, आज की डेट में मैं सबको ही प्यार करता हूँ, चाहे कोई मुझे प्यार करे ना करे, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम अंदर आ गया है। जो इतना लालच है वो सिखाता है कि प्रेम करो। हालेलुया। वो प्रेम करना ही सिखाता है, वो ये नहीं है कि कोई लालच देके या कुछ आपके अंदर क्वालिटी देके प्यार नहीं करता। यीशु मसीह ने क्या देखा आपके अंदर, कुछ भी था हमारे अंदर। यीशु मसीह ने ये देखा कि सारा संसार पाप में है, वो धरती पर उतर आया और उसने क्या किया, मुझे के लिए अपनी जान दे दी। लिखा बाइबल के अंदर कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे देता कि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। मैं कई बार आपको बताता होता हूँ कि परमेश्वर ने जगत से कार्य किया और फुल स्टॉप। ये वाला वचन कितनों ने पढ़ा है, मैं बोलता होता हूँ, ये वचन पढ़ा है कहीं, परमेश्वर ने क्या किया, जगत से प्रेम किया फुल स्टॉप। ये नहीं है, ये है नहीं बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया लेकिन अपना पुत्र दिया, कुछ किया। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर का प्रेम बातों वाला प्रेम नहीं है। यदि कोई चीज को प्रेम करता है तो वो बातों का होना चाहिए, कुछ प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। हालेलुया। दूसरी बात यहाँ पर यह है, प्रेम और उसके बाद आनंद। हालेलुया। आनंद, आनंद इंसान चीजों में ढूंढता है, जैसे प्रेम इंसानों के अंदर ढूंढता ना, नहीं मिलता, इंसान कब छोड़ के चला जाए कुछ नहीं पता। हालेलुया। वैसे ही आज इंसान जो आनंद, आज का वचन थोड़ा गहरा है, ध्यान से सुनना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो नौ फल अगर आपके अंदर आ गए तो जबरदस्त। पहला फ्रेम, जो पहला फल जो प्रेम है वो आएगा परमेश्वर की ओर से। ये टीचिंग है, अभी आप सीख रहे हैं। हालेलुया। फिर आपके लिए प्रार्थना भी होगी आज, कभी कभी हमें सीखना चाहिए। हालेलुया। जो लोग पहली बार आए हैं आप, तो मैं आपके लिए दुआ करता हूँ छोटी सी। पहली सिरा पिता यीशु मसीह के नाम में जो पहली बार आए हैं, इनको ब्लेस करना और इनको प्रभु समझ देना और परमेश्वर इनको परमेश्वर अपना प्रेम, अपने आनंद और अपने शांति से आज भरना। परमेश्वर इनका आना और इस गर्मी में यहाँ बैठना, इनका व्यर्थ ना जाए। परमेश्वर इनको ब्लेस करना, इनके परिवारों को, काम काज को। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा बढ़ावा नहीं है कि हमने कब दुआ करनी है और कब प्रचार करना है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा क्या है, आजादी, स्वतंत्र है। आप क्या है, स्वतंत्र है, बोलो मैं स्वतंत्र हूँ। और कोई भी बंधा नहीं है। हम रूल इसलिए बना देते हैं कि काम थोड़ा अच्छे से हो, समय पे शुरू हो, समय पे खत्म हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कभी भी बंधा। पिछले संडे में हैरान हुआ जब आप पहली बार 10 साल में पहली बार हुआ कि हमने पूरे चर्च के सब कुछ बच्चों ने 7:30 बजे तक इकट्ठे ही थे। हालेलुया। क्या था, एक आनंद था। जब हम मसीह भाइयों से मिलते हैं, अगर हमारे अंदर परमेश्वर आनंद डाले, आपको मैं बता रहा हूँ तीनों चीजें आएंगी परमेश्वर की ओर से। जो प्रेम है वो भी परमेश्वर की ओर से आ सकता है। अगर हम अपना प्यार दिखाएंगे या कोई इंसान अपना प्यार दिखाएगा वो थोड़े टाइम के लिए होगा। आप मुझे बताओ, एक बंदा दारू पीता है, आज हम तीन बातें करें, प्रेम की, आनंद की और शांति की। शांति पे बाद में आऊंगा, अभी मैं आनंद पे हूं और प्रेम पे। हालेलुया। एक आदमी दारू की बोतल लेता है, पीता है, अगर उसको उसे आनंद मिल रहा है तो अगले दिन फिर क्यों पी रहे हो? आज दो जने, तीन जने आ जाओ फटाफट, कुछ प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। नितिन आ जा, सुमित, मनीष, तीन जने आ जाओ। हालेलुया। क्योंकि जो हम देखते हैं उस समय थोड़ा सा समझ आती है।
ये तीन भाई हैं और अब आपको इनको देखना है ताकि आप प्रैक्टिकल समझ आए। जो चीज हम सुनते हैं और जो चीज हम देखते हैं उसका ज्यादा असर होता है। हालेलुया, बोलो प्रेम आनंद शांति। हालेलुया, ये क्या कर रहा है? इसको इसके प्रेम उड़ता है इसके अंदर, लोगों के अंदर इसको नहीं मिल रहा, क्योंकि प्रेम परमेश्वर की ओर जाएगा। कभी भी यह मत सोचना कि प्रेम जो है आप खुद करोगे। ये परमेश्वर जब यीशु मसीह ने जब जान दी, क्यों? क्योंकि लिखा हुआ कहता है कि जो मैं करता हूँ वो मैं आप नहीं करता, मेरा परमेश्वर जिसने मुझे भेजा है मैं उसकी इच्छा को पूरा करता हूँ। हालेलुया, अगर हम ये सोच के चलेंगे कि हम खुद कर रहे हैं तो हम नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। दूसरा भाई है, ये क्या सोच रहा है? इसको आनंद चाहिए। ये आनंद कहाँ मिल रहा है? संसारिक चीजों के अंदर, इसके अंदर। हालेलुया, कितनों को समझ आ रही है? समझ आ रही है सबको? ये भाई शांति, एक आनंद ढूंढ रहा है, शांति और एक प्रेम। पहला लगा प्रेम, फिर आनंद, फिर शांति। अब ये आनंद ढूंढ रहा है। आनंद इंसान कहाँ ढूंढता है? क्या चीज आनंद के लिए क्या करता है इंसान? गाड़ी खरीदता है, अच्छा घर, अच्छे कपड़े, खाना पीना, इन चीजों के अंदर आनंद ढूंढता है। हालेलुया। ऐसा ही एक व्यक्ति था, बैठ जाओ यहीं पे। हालेलुया। ऐसा ही एक लड़का था, वो भी आनंद ढूंढने के लिए निकला अपने घर से, अपने पिता के पास गया। बोलता कि पिताजी मेरा जो भी कुछ है मुझे दे दो। हालेलुया, मेरे पास मेरी संपत्ति जितनी भी मेरा हिस्सा है मुझे दे दो, मुझे घर छोड़ के क्या करना है? जाना है। हालेलुया, वो कहता है मुझे घर छोड़ के जाना है, मेरे पास जो भी है, मेरा जो भी बनता है मुझे दे दो। और वो अपना आनंद ऐशो में ढूंढ रहा था, वो अपना आनंद ऐशो आराम में ढूंढ रहा था। लेकिन क्या हो गया, निकल गया है घर से पैसे को लेके, और जब वो चला गया अपने दोस्तों के पास, क्या हो गया? ऐशो आराम में चला गया, गलत काम में चला गया, नशों में चला गया और आनंद ढूंढने लगा, ढूंढने लगा आनंद। लेकिन क्या हो गया, जैसे उसके पैसे खत्म होने लगे, क्या हो गया, एकदम से थोड़े टाइम बाद ही पैसे खत्म और आनंद भी खत्म। रोने लगा, लाने लगा, कहने लगा कि परमेश्वर मैं तो वहीं पे ही ठीक था, अपने पिता के पास ठीक था। हालेलुया। और बाद में उसके पास तो खाने को भी कुछ नहीं था, वो एकदम से निराश हो गया। हालेलुया, निराश हो गया और बिल्कुल तड़पने लगा, चिल्लाने लगा और जगह जगह जाके भीख मांगने लगा। हालेलुया, जब अपने पिता के घर पे था तो उसको खाने को सब कुछ मिलता था, टाइम पे मिलता था, कपड़ा मिलता था, खाना मिलता था, सब कुछ मिलता था। लेकिन इसने क्या किया, अपने पिता के घर को छोड़ के जब ये बाहर चला गया तो हुआ ये कि इसके पास कुछ भी रह गया। हालेलुया, सारे पैसे इसने दोस्तों के साथ उड़ा दिए और पैसे उड़ाने के बाद एकदम से टूट गया है और एकदम से ये तो इसका कोई भी साथ नहीं दे रहा, सब इसको छोड़कर चले गए हैं। पैसा खत्म, सब खत्म। हालेलुया, तक खत्म हो गया, इसका खेल खत्म हो गया। और इसने सोचा कि अब तो मेरे को कोई भी नहीं पूछेगा और ये खाने के लिए भी तड़पने लगा है, रोने लगा है और परमेश्वर को दुहाई देने लगा है और खुद चिल्ला चिल्ला के कहने लगा, परमेश्वर मैं तो अपने पिता के घर में ही ठीक था, यहाँ तो मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। हालेलुया, और एक बार क्या हो गया कि सूरों के घर के पास चला गया, सूरों का खाना खाने की नौबत आ गई उसके पास। और लेकिन उसी से उसने ये सोचा कि मैं अगर अपने वापस पिता के पास चला जाऊं तो मेरा पिता क्या कर लेगा, मुझे ग्रहण कर लेगा। हालेलुया, वो अपने पिता के पास वापस आया और जैसे ही पिता के पास वापस आया उसके अंदर पिता ने उसको देख लिया दूर से ही और उसके पिता कहने लगा, अरे ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरा बच्चा है, ये तो वापस आ गया है और मैं इसको गले से लगा लूंगा, मैं इसको अच्छे वस्त्र दूंगा, इसको अच्छा खाना दूंगा। हालेलुया, उसने अपने नौकरों को बोला कि जाके क्या करो, मीट बनाओ, अच्छा खाना बनाओ, मेरे बेटे को अच्छा खाना दो, अच्छा कपड़ा दो। हालेलुया, ऐसे ही वो परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है, वो आपको बोल रहा है कि आप क्या कर रहे हो, संसार के अंदर अपना आनंद ढूंढ रहे हो, चीजों के अंदर आनंद ढूंढ रहे हो। लेकिन होता क्या है कि हम कभी कभी भटक जाते हैं, दूर चले जाते हैं, गलत कामों में चले जाते हैं, गलत संगति में चले जाते हैं और सब कुछ बर्बाद कर बैठते हैं। लेकिन वो परमेश्वर तो अनुग्रहकारी और प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो आज भी आपको कह रहा है कि मेरे बेटे मेरी बेटी अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं तो तेरे पास आना चाहता हूँ। हालेलुया, आज अगर आप उस परमेश्वर के पास पश्चाताप करके आएंगे तो वो क्या करेगा, आपके दिल को आनंद से भर देगा। हालेलुया, आपके मन को, आपके दिल को आनंद से भर देगा। जिस दिल में चलाना है, जिस मन में चिंता है, उस चिंता वाले मन को क्या कर देगा, वो शांति से भर देगा। हालेलुया, अपने प्रेम से भर देगा, अपने आनंद से भर देगा। हालेलुया, मेरे अजीजों, प्रेम इंसान के अंदर नहीं है, प्रेम परमेश्वर भी डाल सकता है आपके अंदर भी, और जिस जो आपके परिवार है जहां पे आप जा रहे हो उनके अंदर परमेश्वर वाला उतरेगा, जो बिना लालच के होता है, जो बिना किसी अपने डिमांड के होता है। हालेलुया, आज प्रेम तो करता है कोई, ये प्रेम करेगा इस भाई को, वो लेकिन ये बोलेगा भाई ये काम कर, थोड़ा आप देखना, वो बोलेगा मेरा ये काम कर,
हालेलुया। यीशु मसीह कहता कि जब देता है तो वापस लेने की उम्मीद से ना दे, वो होता सच्चा प्रेम। हालेलुया। वो सच्चा दान भी उसे कहते हैं, सच्चा प्रेम भी उसे कहते हैं। यीशु मसीह ने कोई डिमांड की आपसे कि मुझे कुछ चाहिए, अपना जान दे देता क्रूस के ऊपर, दैट्स इट। हालेलुया। और कुछ भी डिमांड नहीं की। शांति, आखिरी बात मैं आपको बताता हूँ, शांति। शांति इंसान ढूंढता है चीजों, शांति कहाँ ढूंढता है? प्रेम तो इंसान प्रेम ढूंढता है इंसानों के अंदर, आनंद ढूंढता है चीजों के अंदर, शांति कहाँ ढूंढता है? बताओ मुझे। हालेलुया। शांति, आप देखो एक पाप करने वाला इंसान कभी भी शांति नहीं रहेगा, पाप करने वाला इंसान कभी भी खुश नहीं रहेगा, क्योंकि उसको ये पता होगा कि मेरा जीवन क्या है। वो गिल्टीनेस में रहेगा, वो शोक में रहेगा, वो डिप्रेशन में रहेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ कुछ ना कुछ। हालेलुया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक पापी व्यक्ति चाहे वो कोई भी क्यों नहीं है, वो कभी शांत नहीं रहता। हालेलुया। शांति का आत्मा तभी काम करेगा आपके अंदर जब आप पवित्रता में। हालेलुया। लोग शांति को ढूंढते हैं, सोचते हैं कि मैं ये छोड़ दूं तो शांति मिलेगी, मैं ये काम छोड़ दूं तो मुझे शांति मिलेगी, मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मुझे ये हो जाएगा, हो जाएगा। हालेलुया। शांति छोड़ने में नहीं है। लोग खाना छोड़ देते हैं, लोग बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं। हालेलुया। उपवास पे चले जाते हैं और कुछ लोग तो बहुत दूर निकल जाते हैं। हालेलुया। सोचते कि उनको क्या मिली, शांति, मन की शांति, लेकिन उनको भी मन की शांति मिलती है। हालेलुया। प्रेम मिलता है परमेश्वर से। हालेलुया। लिखा प्रभु का आनंद जो है ताकत है। हालेलुया। मैंने कुछ लिख के रखा था आपके लिए, जब हम मसीह में आते हैं, जो मसीह में आते हैं, मैं जब 2007 में जब मैं मसीह में आया तो मुझे पहले क्या था, आनंद नहीं था। अब क्यों आनंद है? कारण एक नई पहचान यीशु मसीह ने दी। हालेलुया। एक नई पहचान आनंद लेके आती है, एक नई शुरुआत आनंद लेके आती है। यीशु मसीह कहते हैं कि अब तुम क्या हो, नई सृष्टि हो। हालेलुया। अगर आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई सृष्टि बनना चाहते हैं, तो आपके अंदर क्या होगा, आनंद काम करेगा। अगर आपके अंदर आप सोच रहे कभी भी कि अगर असली आनंद चाहिए तो आपको पहचानना पड़ेगा आप कौन है। हालेलुया। जो लोग ये सोचते हैं कि मैं क्या कर चुका हूं, अब मैं संसारिक नहीं रहा, अब यीशु का मैं बच्चा बन गया हूं, आनंद उनके अंदर होता है। हालेलुया। अपने चेहरे को दिखाओ, भी आनंद का प्रचार कर रहा हूं पर कोई आनंदित नहीं दिख रहा हूं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो प्रभु आपको आशीष दे। बोलो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, अगले संडे और अच्छे बन के आना, प्रभु और आशीष देंगे। हालेलुया। प्रभु आपको बरकत दे। इंसान क्या करता है, प्रेम की तलाश में है, वो ढूंढता है दर बदर, लेकिन उसको प्रेम कभी भी नहीं मिलता, किसी से भी नहीं मिलता, क्योंकि सच्चा प्रेम तो सिर्फ परमेश्वर में ही मिलता है। हालेलुया। इंसान आनंद को ढूंढता है, जो के अंदर ढूंढता है, गाड़ी खरीद लेता है और लेकिन क्या दो दिन चलाता, खुश रहता है, गाड़ी पर एक्सीडेंट पड़ा, जैसे स्क्रैच लगा, गाने देना शुरू कर देता अपने पड़ोसी के बच्चों को, अरे हमने ये कर दिया, तुमने वो कर। हालेलुया। लोग अच्छे कपड़े खरीद के रखते हैं, उसको दो दिन पहनते हैं, लेकिन उसमें पैसे का होता है थोड़ा सा, पत्नी को डांटने लगते हैं, कहते हैं अरे अभी तुमने क्या कर दिया मेरे नए कपड़ों को। हालेलुया। वो आनंद भी खत्म, कपड़े वाला आनंद भी खत्म, गाड़ी वाला आनंद भी खत्म। हम घर लेते हैं, घर के अंदर क्या होता है, पानी का टिप 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 टिप, अरे कहते हैं यार कैसा घर ले लिया हमने, इसके अंदर तो बूंदे टपक रही है। हालेलुया। वो आनंद भी खत्म हो जाता है। आपको सही बता रहा हूँ, आप एक जॉब पे लगते हैं, आपको 20-25 हज़ार नौकरी मिल जाती है, 30-50 हज़ार मिल जाती है, आप खुश रहते हैं कि अरे बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई। जब वहाँ जाते हैं आपको बॉस इतना कट्टर में छुट्टी लेने देता है, ना तो आपको 2 मिनट के लिए हटने देता है, आप कहते हैं यार मैं वहां फंस गया, ये तो आनंद आपको वहां भी नहीं मिलता। हालेलुया। लेकिन जब आप ये जान लेते हो कि मेरे पाप क्षमा हो गए, मैं मसीह में आ गया, अब मेरा एक नया जीवन है, मेरी नई पहचान है, मैं यीशु मसीह का बच्चा हूं, मैं रक्तधारी याजकूं, और मैं क्या स्वर्गदूतों का न्याय करूंगा, और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अपना बच्चा बना लिया। हालेलुया। और जब ये आपको नई पहचान जब शोक के अंदर आती है, तो आप पापी छोड़ देते हो, आप प्रेम करना शुरू कर देते हो, और आनंद भी आपके पास आ जाता है। हालेलुया। हालेलुया। और आनंद भी आपके अंदर काम करने लगता है। आखिरी बात जो है शांति। हालेलुया। शांति के बारे में, शांति कुछ ढूंढने में नहीं, लेकिन अच्छे उद्देश्य को पूरा करने में। हालेलुया। आखिरी बात बोलकर मैं खत्म करूंगा, हम प्रेयर में जाएंगे अभी। आज मेरे स्पिरिट मारे प्रेयर ज्यादा कर रहे हैं आपके लिए। हालेलुया। मैंने एक बात कल भेजी बच्चों को लेके ग्रुप में,
एक घंटे प्रार्थना नहीं कर रहा, ये बात सुनने के बुरा मत मानना कोई। जो एक घंटे प्रार्थना करता वो जितनों को मिला बोलो पता किसी ने, हालेलुया, पता नहीं लगता किसी ने। जो एक घंटे प्रार्थना नहीं करता वो विश्वासी नहीं। जो दो घंटे प्रार्थना नहीं करता डेली, जो एक घंटा डेली प्रार्थना नहीं करता वो विश्वासी नहीं। जो दो घंटे प्रार्थना नहीं करता डेली वो सेवक नहीं। हालेलुया। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि शांति एक अच्छे देश को पूरा करने में। हालेलुया। जब आपको यह लगेगा कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूं, अभी बच्चे हैं, कल तक यहां घूमते थे गली में, गलत काम करते थे, हो सकता है लड़े झगड़े नशे कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, लेकिन आज क्या है, परमेश्वर के भवन में है, आज एक वर्षिप में है, और आज क्या कर रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं। इनका उद्देश्य चेंज हो चुका है और इस अच्छे उद्देश्य ने क्या कर दिया, इनके अंदर शांति को पैदा कर दिया। हालेलुया। जब आप एक अच्छे उद्देश्य के लिए कुछ करना शुरू हो जाएंगे तो आपके अंदर क्या होगा, आप अंदर प्रभु काम करेगा। हालेलुया। आज मैंने देखा है लोगों के अंदर बिल्कुल भी ना तो प्रेम है। ये तीन चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। अगली जो आज ये टीचिंग, आज मैं प्रीच नहीं कर रहा हूँ, आज मैं टीचिंग दे रहा हूँ। ये जो तीन चीजें हैं इतनी जबरदस्त है, अगर आप इसको अपने घर के दरवाजे पर लिख लो, प्रेम, आनंद, शांति, और रोज इसको देखो, आपकी लाइफ ब्लेस्ड हो जाएगी, आप आशीषित हो जाओगे। हालेलुया। क्योंकि जो अगली छह है, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये अगली छह ऑटोमेटिकली आ जाएगी आपके अंदर। अगर ये पहले तीन आ गए ना आपके अंदर, प्रेम, आनंद, शांति, ये प्रभु से मांगने से मिलेगा। प्रेम, प्रेम वाला दिल दे प्रभु, आनंद दे प्रभु और शांति दे प्रभु। ये जब तीनों आ जाएगा तो धीरज, कृपा, भलाई, ये तीनों आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वो ये जुड़े हुए, ये कड़ी जुड़ी हुई है, ये तीन जो जुड़े हुए, जैसे साइकिल की चेन होती है ना, एक से जुड़ी है, तो ये तीन है, इसके पीछे जुड़े हुए। अगर ये शुरू में ही टूट गए, ये नहीं है, फिर पिछले वाले नहीं मिलेंगे, पहले तीन लेने पड़ेंगे, फिर अगले तीन मिलेंगे, फिर अगले तीन मिलेंगे। हालेलुया। ये नौ के नौ खंड वरदान आपके जीवनों में आए आज यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। किधर लेना चाहते हैं तीनों नौ के नौ वरदान? क्योंकि जब ये आप पहले तीन को फॉलो करोगे, अगले भी आपके अंदर आ जाएंगे। हालेलुया। अगले वरदानों में हम अगले घंटे जाएंगे, और मैं आपको बता सकता हूँ कि हमें टीम में और लोग चाहिए, गीत गाने के लिए भी, सेवा के लिए भी। अपना नाम लिखवाएं, मुझे मैसेज करें, नरेश भाई, अनिल भाई, किसी को भी, किसी को बोलो कि मुझे जुड़ना है, मुझे कुछ करना है। और आज जो नियम को विजिट करो जाके मीटिंग के बाद। हालेलुया। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि परमेश्वर का जो आनंद है वो इंसानों के अंदर नहीं है। इंसानों के पीछे मत रहना, इंसान भी धोखा दे देता है। हालेलुया। आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना और बोला कि यीशु मसीह तू ही मुझसे प्रेम करता। हालेलुया। सच्चा प्रेम तो तेरा ही है, और वो कहता है कि मैं तुझे कभी भी ना छोड़ूंगा। एक दूध पीती पिलाने वाली एक माँ क्या करती है, अपने बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ता। वो कहता है मैं कभी भी ना छोड़ूंगा, कभी भी ना त्यागूंगा। हालेलुया। और उसका प्रेम सच्चा प्रेम है, और बाकी को भी प्रेम, हम ये नहीं कह सकते कि वो सच्चा नहीं है। इंसान के अंदर जिसने अपने मन को साफ किया है, और जिसके अंदर परमेश्वर काम कर रहा है, और जिसका हृदय सच्चा है, वो भी सच्चा प्रेम करता है। हालेलुया। लेकिन आज ऐसे लोग बहुत कम है। हालेलुया। हालेलुया। और मेरी बात आनंद, और तीसरी बात शांति। हालेलुया। आंखों को बंद कर दुआ करेंगे। परमेश्वर दया कर अपने लोगों पर, इनको ब्लेस कर मेरे पिता। हालेलुया। जब हम आपके वचनों को सुन रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, एक एक हृदय, एक एक तैयार हो जाए। हालेलुया। ओ रब बाबा, ओ रब शांता रब बारी कंता रब रिया रब रब। हालेलुया। हालेलुया। मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आज समय परमेश्वर आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। सचमुच हालेलुया री खंदा रब रब। आइए खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों पे और लास्ट प्रेयर में चलेंगे। हालेलुया। क्योंकि आज हमने सभा देरी से शुरू की, इसलिए हम ज्यादा आगे आ गए। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वर्षी वाले भाई लोग आएंगे, गीत गाएंगे, उसी के बीच में आपके लिए प्रार्थना होगी। आंखों को बंद कर लो, हाथों को उठा लो। ये गीत गाएंगे, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है। आंखों को
लग रहा है कि परमेश्वर आपको छोड़ के कहीं चला गया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, चेले लोग भी यही सोच रहे थे। जब वो नाव के ऊपर थे और उस वक्त तूफान आ गया और किश्ती वो डूबने लगी, बहुत सी लहरें जोर से लहरें आ रही हैं और उस किश्ती को डुबाने वाली है, और उस किश्ती के यीशु मसीह नहीं थे। ये दूसरी बात है, ये दूसरी स्टोरी है जब यीशु मसीह नहीं थे। एक कहानी के अंदर यीशु मसीह थे, लेकिन इस स्टोरी के अंदर यीशु मसीह नहीं है। लहरें हैं, तूफान है, और वहां पर क्या हो गया, चेले लोग भी डर गए, उनका ईमान भी टूटने लगा है, वो भी चिंता में आ गए हैं, उनको लगता है कि अब तो हम मर जाएंगे, अब तो यीशु मसीह भी नहीं है, हमें तो कोई बचाने वाला नहीं है। आपको भी मेरे चीजों ऐसा लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि मेरे घर में तो अब कोई भी प्रार्थना वाला आत्मा नहीं है, मेरे घर में तो अब परमेश्वर दास भी नहीं है, मेरे घर में तो कोई आता भी नहीं है, मेरे को कोई पूछता भी नहीं है, मैं निराश हो गया, चिंता में, आप बीमारी में, समस्या में, परेशानी में, और यहाँ तक कि आपको लग रहा होगा कि परमेश्वर भी आपके साथ नहीं है और आप टूट चुके हैं, अगर निराश हो चुके हैं। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे ही एक टाइम था जब चले ऐसे ही सोच रहे थे, वो भी किसी के अंदर ऐसे सोच रहे थे, और हुआ ये कि एकदम से जब हवा चलने लगी, तूफान चलने लगे, वो रोने लगे, कहने लगे, अरे परमेश्वर हमें त्याग कर, हमें बचा ले, हमें बचा ले, हमें जाकर मारे जाते हैं, बोलने लगे आज आपको भी अपने मुंह को खोल बोलना है, बोलो परमेश्वर मुझ पर त्याग कर, परिवार पर त्याग कर, मेरे मुंह को खोल बोलो हालेलुया, अपने मुंह को खोल के बोलो परमेश्वर त्याग कर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरी बीवी के ऊपर, बच्चों के ऊपर परमेश्वर त्याग कर, मेरे माँ बाप त्याग कर, मेरे परिवार के ऊपर। वो बोलता है मुंह को खोल, अपने मुंह को खोल, जब अपने मुंह को खोलेगा मैं उसे बल दूंगा, हालेलुया, अगर मांगोगे आपको देगा, और अब मांगोगे नहीं, शर्माओगे, घबराओगे तो हम ले नहीं पाओगे। चेले भी मांगने लगे, कहने लगे परमेश्वर हम तो हमारे आते हैं और हम इस तूफान में बचेंगे नहीं, हमारी किश्ती उड़ जाएगी और हम डूब जाएंगे, हम मर जाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं जान पता था कि वो परमेश्वर कभी भी छोड़ता नहीं है, वो अकेला नहीं छोड़ता, वो तन्हा नहीं छोड़ा, वो तन्हा और रात नहीं छोड़ता। और आपको बता रहा हूँ, जिस समस्या से उड़ रहे, जिस तूफान से उड़ रहे, जिस मुसीबत से उड़ रहे, यीशु मसीह तो उसके ऊपर ही चल रहा था,
जा रही है, समस्या जा रही है, पर आपको सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, परमेश्वर आपको शांति का आत्मा, परमेश्वर आपको आनंद का आत्मा दे रहा है, प्रेम का आत्मा दे रहा है। हालेलुया। हो सारा दुखा निकाला है।
परमेश्वर जिसने बोया है सुगुना बरकत देना, जो लोग नहीं दे पाए उनको भी बिक्री पर देने का फसल देना, परमेश्वर जो लोग आए हैं उनको ब्लेस कर, जो लोग रह गए हैं घरों में उनको भी आशीष देना, बरकत देना। अगले संडे जब हम इकट्ठे होते हैं आपकी एक बड़ी महिमा करने पाए, परमेश्वर का प्रेम यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता सभी के साथ, और जब तक यीशु मसीह बालक लेने आते हैं हम सभी और सभी पवित्र और सेवकों के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे, जो से बोलेंगे आमीन। हालेलुया प्रभाशी दे आपका यह हफ्ता आशीषित हो, किसी को दुआ है वो आगे